हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी दैट इज़ बाय एच ए रॉबर्ट्स फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन पेपर में बहुत बार। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसका सोल क्या है इस टॉपिक का और इसमें हमको लिखना क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या लिखना है और पूरा आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में बता क्या रखा है। तो चलिए आपका टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो होती क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, देन हम बात करेंगे होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि होम्योपैथी को किस तरीके से यूज़ करें हम एंडोक्राइनोलॉजी केसेस में। तो ये बाद की बात है, पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ओके, द फंक्शन ऑफ सम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड इज टू सिक्रीट अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इनटू सिस्टम, अ सिक्रीशन दैट हैज़ अ वाइटल बियरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन। जो डक्टलेस ग्लैंड हैं उनका काम क्या है, कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीशन प्रोड्यूस करना जो क्या करता है, वाइटल जो प्रोसेस हैं उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। ओके, यानी कि उनका जो एक्शन है वो हमें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रीशन है उसका जो एक्शन है वो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे देखने को मिलता है। और ये सिक्रीशन क्या होते हैं, माइन्यूट सिक्रीशन होता है डक्टलेस ग्लैंड का। ओके, इन मैनी केसेस द सिक्रीशन ऑफ नॉर्मल ग्लैंड इज सो माइन्यूट दैट इट अप्रोचेस द होम्योपैथिक एटेन्यूएशन। ओके, कि ये सिक्रीशन जो है ये नॉर्मल ग्लैंड का इतना कम होता है कि ये होम्योपैथिक एटेन्यूएशन को अप्रोच कर लेता है। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करती हैं, माइन्यूट सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है और वो माइन्यूट सिक्रीशन जो है वो पूरी बॉडी पे अपने को उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है उस सिक्रीशन का। ओके, तो अगर किसी की एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ख़राब हो गई, ओके, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सिक्रीशन था वो प्रोड्यूस नहीं होगा उस बॉडी के अंदर। तब हम क्या होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिंस को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, कि हमको किस तरीके से अब उस इंसान को दवाई देनी है जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना कम कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है और मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद हमें उसको अप्लाई करनी है। तो उसका सिलेक्शन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सेलेक्ट ही कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का एग्जाम्पल बता रही हूँ। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम देखें कि नॉर्मली एलोपैथिक फिजिशियंस क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, तो वो इंसुलिन जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इंसुलिन या तो जो रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर प्रोडक्शन ही कम होता है इंसुलिन का, तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। ओके, तो होता क्या है कि शुरू में तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है, ग्लूकोज लेवल जो ब्लड के अंदर है वो कम कर देता है, लेकिन जब उसका सेकेंडरी एक्शन परफॉर्म होता है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, यानी कि ग्लूकोज जो है उसको ज़्यादा कर देता है। क्योंकि हमने देखा प्राइमरी एक्शन में तो क्या होगा कि जो एक्शन मेडिसिन परफॉर्म कर रही है सीधे जाके वो होगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ प्राइमरी एक्शन हो जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में अगर आप इंसुलिन एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हो तो आपके पहले हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है फिर हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है, लेकिन हम देखें होम्योपैथी में तो वहाँ पर क्या है, हमको सूटेबल रेमेडीज़ मिल जाएंगी रेपर्टरी में, जिसमें हम रूब्रिक क्या लेंगे, शुगर इन यूरिन। ओके, तो शुगर इन यूरिन के जब हम रूब्रिक में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ होगी, उन दवाइयों में से हम जो है मेडिसिन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके,
डायबिटिक पेशेंट यूजली प्रेजेंट विद सब्जेक्टिव सिम्टम दैट क्लियरली इंडिकेट सिमिलिमम। जब हम देखें डायबिटिक पेशेंट को, वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स, हम होम्योपैथी में सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और सिम्टम्स में भी जो सिम्टम खुद मरीज़ बता रहा है उनको प्रायोरिटी देते हैं, आसपास से सुनी वो सिम्टम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सेलेक्ट सिमिलिमम। देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ इमोशनल शॉक प्रिसीडिंग इज प्रेजेंट एफ्लिकेशन दैट विल पॉइंट द वे टू रेमेडी। या हम देखें कोई ना कोई जो इमोशनल शॉक की हिस्ट्री रही होगी उनके प्रेजेंट बीमारी आने से पहले, ओके, वो भी हमारे जो दवाई है उसके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर हम देखें जिनको भी डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होती है, उनके पीछे कोई ना कोई क्रॉनिक हिस्ट्री रही होती है, मेंटल हिस्ट्री रही होती है। तो अगर हमें वो मेंटल हिस्ट्री पता चल जाए तो हमारी दवाई सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ओके, जैसे कि हम देखें कि डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवाई है फॉस्फोरिक एसिड। ओके, एसिड फॉस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द डायबिटीज़। ओके, और साथ ही साथ जब हम उसके देखें एलिमेंट्स फ्रॉम में, तो जब हम एसिड फॉस के एलिमेंट्स फ्रॉम में देखेंगे तो वहाँ पर एलिमेंट्स फ्रॉम में आता है फ्रॉम ग्रीफ, लॉन्ग कंटिन्यूड एग्जर्शन और ग्रीफ, मेंटल एग्जर्शन जो होता है, तो वो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे जो दवाई है वो निकलती है। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है कि हिस्ट्री ऑफ इमोशनल शॉक प्रिसीडिंग इज प्रेजेंट एप्लीकेशन दैट विल पॉइंट द वे टू रेमेडी। इट इज़ पॉसिबल दैट हिज सिम्टम्स आर सो क्लियरली मार्क्ड दैट द इंडिकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैन बी ओवरलुक्ड इवन दो हिज रेमेडी हैज़ नॉट बीन प्रूवन टू प्रोड्यूस द शुगर इम्बेलेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ ये बोल रखा है कि जो सिम्टम्स हैं मरीज के वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो सिम्टम्स ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो इंडिकेटेड हो मरीज़ के लिए उससे भी ज़्यादा वो सिम्टम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक ऐसी दवाई निकल के आती है जो जिसमें ये लाइन ही नहीं लिखी हो, या फिर वो उसके लिए प्रूव ही नहीं हुई हो शुगर इम्बेलेंस के लिए, लेकिन सिम्टम्स आर द वेरी मच मार्क, तो हम उस दवाई को दे देते हैं जिसमें शुगर इम्बेलेंस का कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो शुगर इम्बेलेंस को ठीक कर देती है, तो वो हमारी हो जाती है फिर क्लिनिकल प्रूविंग। ओके, इन सच केसेस पेशेंट इम्प्रूव्स ऑन इंडिकेटेड रेमेडी एंड वी गिव इट अ क्लिनिकल रेटिंग। ओके, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उन सिम्टम्स के बेस पर हमें केस लेना है। और भले ही हम देखें थेरापेटिक्स में बहुत सारी दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की, लेकिन अगर हमें उसको ऐसी दवाई देनी पड़ रही है जिसमें कहीं भी डायबिटीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मरीज़ के सिम्टम उस दवाई में बहुत मार्क्ड मिल गए हैं, ठीक है, तो उसको हम डायबिटीज़ के लिए भी देंगे तो वो उस डायबिटीज़ को भी ठीक कर देगी। ओके, देन अ कंसीडरेशन ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट इज़ आर बेस्ट इंडिकेशन फॉर सिमिलिमम। जो हम मेंटल और इमोशनल स्टेट को कंसीडर करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन है सिमिलिमम सेलेक्ट करने में। ओके, तो आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एच ए रॉबर्ट्स में दिए हुए हैं और इस टॉपिक के अंदर, दैट इज़ द होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो सिंपल सा मतलब इसका यही है कि एंडोक्राइन फंक्शंस जो हैं वो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब्ड हुए हैं, या फिर वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस जो हैं कम हो गए हैं या बिल्कुल गायब हो गए हैं, तब हम क्या होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स मरीज पे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में जो है इस टॉपिक में एच रॉबर्ट्स ने बताया है कि उस केस में हम होम्योपैथी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमको सिंपल कैसे अप्लाई करना है, हमें मरीज़ के सिम्टम्स लेने हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव सिम्टम्स, सिम्टम्स लेने हैं भले ही उसके अंदर फिर वो कंडीशन लिखी हुई है या नहीं है, वो बीमारी लिखी हुई है या नहीं है, बट अगर प्रोमिनेंट सिम्टम आ गए, अगर जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गए, मेंटल इमोशनल स्टेट प्रोमिनेंट आ गई किसी दवाई की जिसमें वो कंडीशन मेंशन है ही नहीं, वो भी अगर हम दवाई देंगे तो मरीज़ ठीक होगा, देन उसे हम कहते हैं क्लिनिकल प्रूविंग, कि ये क्लिनिकल प्रूविंग में ये सिम्टम्स मरीज़ के ठीक हुए। ओके, तो
मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा कि आपको इसमें लिखना क्या है, इस टॉपिक में एग्ज़ाम में लिखना क्या है, होम्योपैथिक थेरेपिटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, और आपको टॉपिक अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।